पहाड़ों की रानी शिमला एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो रही है। मानसून का मौसम कम होते ही शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में रौनक लौट आई है। पर्यटक अब राजधानी शिमला सहित उसके आसपास के पर्यटन स्थलों की ओर आना शुरू हो गए हैं। शिमला के साथ लगते पर्यटन स्थल जैसे नालदेहरा, कुफरी, नारकंडा, चायल और अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है। मानसून के दौरान पहाड़ों में भूस्खलन की समस्या के कारण पर्यटक अक्सर इन इलाकों में ट्रेवल नहीं कर रहे थे, जिससे टूरिज्म कारोबार ठप पड़ जाता है। लेकिन अब बारिश का दौर कम होने और मौसम में सुधार के साथ ही पर्यटक हिमाचल प्रदेश की ओर रुख करने लगे हैं। पर्यटन कारोबारियों के अनुसार होटलों की बुकिंग में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। वर्तमान समय में होटलों की ऑक्यूपेंसी 50-60% तक पहुँच चुकी है, जबकि इससे पहले ये मात्र 20-25% के बीच थी। इसके अतिरिक्त सड़क सुविधाओं में सुधार के चलते शिमला के लिए डे विजिटर्स की संख्या भी बढ़ी है, जिससे पर्यटन कारोबार को और बढ़ावा मिला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश में 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके बाद बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी आने की संभावना है। वैसे आम तौर पर हिमाचल प्रदेश से मानसून 15 सितंबर के आसपास या सितंबर महीने के अंत में रवाना होता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 14 सितंबर के बाद बारिश का दौर तेजी से कम हो सकता है, जिससे पर्यटन सीजन में सुधार हो सकता है और पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है। अगर आप शिमला और उसके आसपास के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो एक बात का खास ध्यान रखें। पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की पूर्वानुमान पर ध्यान दें और ट्रैवल करते समय मौसम की जानकारी लें। साथ ही सड़क सुरक्षा और यात्रा से संबंधित बाकी जरूरी सावधानियों बरतें। शिमला की प्राकृतिक खूबसूरती और उसके आसपास के इलाकों को मजे से घूमें। इससे स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी समर्थन मिलेगा।